नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम देते हैं आपको और फील्ड से जुड़ी बेस्ट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से जुड़े महत्वपूर्ण MCQs, सभी जुडिशियरी एग्जाम जैसे RJS, UPJS, MPJS या दिल्ली JS सहित गुजरात जुडिशियल सर्विस में भी कई बार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे में APO तथा JLO एग्जाम में भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, भारत के संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण MCQs कई बार पूछे जाते हैं। तो आज का यह वीडियो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े अटॉर्नी जनरल के जो प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत किए गए हैं के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और 26 और 27 दिसंबर को जो जूनियर लीगल ऑफिसर RPSC का द्वारा जो ये एग्ज़ाम लिया जाना है, उसके अंतर्गत अटॉर्नी जनरल से जुड़े कॉन्स्टिट्यूशन सिलेबस के अंतर्गत यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। परंतु आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। साथ ही दोस्तों, यदि आपने वीडियो को देखा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आपके द्वारा लाइक किए जाने से हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है, हम और अधिक ऐसे वीडियो लाने के लिए प्रेरित होते हैं। साथ ही दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रश्नों में आज का पहला प्रश्न है कि भारत सरकार का प्रमुख कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील कौन होता है। तो भारत का जो महान्यायवादी होता है वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है। अगला प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है। आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कानून मंत्री या राष्ट्रपति महोदय। तो दोस्तों, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह से करता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन भारत के महान्यायवादी के बारे में सत्य है। तो पहला है कि इसकी नियुक्ति कानून मंत्री द्वारा की जाती है, इसे 1.5 लाख रुपए वेतन हर माह मिलता है, इसके कार्यकाल की कोई समय सीमा नहीं है, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। तो दोस्तों, सही कथन पूछा है। तो तीसरा जो कथन है अर्थात इसके कार्यकाल की कोई सीमा तय नहीं है, यह कथन सत्य है, बाकी दोनों कथन गलत हैं। इसकी व्याख्या देखें तो इसके कार्यकाल की कोई समय सीमा तय नहीं है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, परंतु परंपरा अनुसार इसकी नियुक्ति 3 साल के लिए की जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी को पद से कैसे हटाया जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सिफारिश पर भारत के महान्यायवादी को पद से हटाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला है कि अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी के बारे में प्रावधान करता है, आर्टिकल 88 भारत के महान्यायवादी के संसद के सदनों और समितियों से जुड़े अधिकार के बारे में प्रावधान करता है, अनुच्छेद 105 भारत के महान्यायवादी की शक्तियों के बारे में प्रावधान करता है और आर्टिकल 165 भारत के महान्यायवादी के वेतन के बारे में प्रावधान करता है। तो यह चीज सुमेलित नहीं है अर्थात यह गलत है। इसके विपरीत आर्टिकल 76 भारत के महान्यायवादी के बारे में, आर्टिकल 88 भारत के महान्यायवादी के संसद के सदनों और समितियों से जुड़े अधिकार के बारे में और 105
महान्यायवादी की शक्तियों के बारे में प्रावधान करता है। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आर्टिकल 165 इन कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन भारत के महान्यायवादी के बारे में असत्य है? देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, यह बात सत्य है। वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, यह बात भी सत्य है। जब केंद्र की सरकार बदलती है तो इसे भी त्यागपत्र देना पड़ता है, यह बात भी सत्य है। असत्य है तो केवल ये कि इस पद के लिए चुने जाने के लिए वही योग्यता होनी चाहिए जो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए तय है, यह बात गलत है। इस पद के लिए चुने जाने के लिए वही योग्यता होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए तय है, यह बात असत्य है। बाकी सभी बातें सत्य हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का महान्यायवादी निम्न में से कौन सा कार्य कर सकता है? तो वह भारत सरकार के खिलाफ कोई भी सलाह या विश्लेषण कर सकता है, वह भारत सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोर्ट में केस लड़ सकता है, बिना सरकार की अनुमति के किसी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव कर सकता है, सरकार की अनुमति के बिना किसी कंपनी का निदेशक बन सकता है। तो भारत सरकार के जो महान्यायवादी होता है उनका मुख्य कार्य होता है कि वह भारत सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोर्ट में केस लड़ सकता है, ये कार्य भी वह कर सकता है। वह भारत सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोर्ट में केस लड़ सकता है क्योंकि वह भारत सरकार का पूर्णकालीन कर्मचारी नहीं होता। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। अगला प्रश्न है कि भारत में अब तक कुल कितने महान्यायवादी चुने जा चुके हैं? तो भारत में अब तक कुल 15 महान्यायवादी चुने जा सकते हैं, चुने चुने जा चुके हैं। टोटली 15 अटोर्नी जनरल आज तक चुने जा चुके हैं, जिनकी लिस्ट हमारे पास ये रही। नंबर वन पे एमसी सीतलवाड़, जो कि 28 जनवरी 1950 को चुने गए थे, और 1 मार्च 1963 तक एमसी सीतलवाड़ ही अटोर्नी जनरल रहे थे। दूसरे थे सी के दफ्तरी, जो कि 2 मार्च 1963 से 30 अक्टूबर 1968 तक भारत के महान्यायवादी रहे। तीसरे थे नीरेन डे, जो कि 1 नवंबर 1968 से 31 मार्च 1977 तक भारत के महान्यायवादी रहे। चौथे हैं एस सी गुप्ते, जो कि 1 अप्रैल 1977 से 8 अगस्त 1979 तक भारत के एजी रहे, अटोर्नी जनरल। एलन सिन्हा, 9 अगस्त 1979 से 8 अगस्त 1983 तक ये भारत के महान्यायवादी रहे। अगले थे सी के पराशरण, जो कि 9 अगस्त 1983 से 8 दिसंबर 1989 तक यह भारत के महान्यायवादी रहे। अगला है सोली सौरभजी, जो कि 9 दिसंबर 1989 से 2 दिसंबर 1990 तक भारत के एजी रहे। आठवें एजी थे जी रामास्वामी, जो कि 3 दिसंबर 1990 से 23 नवंबर 1992 तक भारत के महान्यायवादी रहे। मिलन के बैनर्जी, 21 नवंबर 1992 से 8 जुलाई 1996 तक भारत के एजी रहे। अशोक देसाई, 9 जुलाई 1996 से 6 अप्रैल 1998 तक भारत के अटॉर्नी जनरल रहे। सॉली
सौरभ जी जो कि दूसरी बार बने, पूर्व में 9 दिसंबर 1989 से 2 दिसंबर 1990 तक जो है ये रहे थे। उसके बाद 7 अप्रैल 1998 से 4 जून 2004 तक ये रहे। वापस से मिलन के बैनर्जी जो कि पूर्व में भी बन चुके थे, 4 जून 2004 से 7 जून 2009 तक बने। गुलाम एस जी वाहनवेदी 8 जून 2009 से 11 जून 2014 तक भारत के एजी रहे। मुकुल रस्तोगी, सॉरी मुकुल रोहितगी 12 जून 2014 से 30 जून 2017 तक रहे। और के वेणुगोपाल 30 जून 2017 से लेकर अभी वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं, के वेणुगोपाल। अगला प्रश्न है कि किस महान्यायवादी का सबसे लंबा कार्यकाल रहा? तो एमसी शीतलवाड़ जो थे एजी, जिनकी छायाचित्र यहां प्रदर्शित है, ये भारत के सबसे लंबे समय तक महान्यायवादी रहे थे। मोतीलाल चिमनलाल सेतलवाड़ एक प्रख्यात भारतीय महान्यायवादी न्यायविद थे, जो भारत के लिए अटोर्नी जनरल के पहले और सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले बन गए। वे भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे, 1961 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पहले अध्यक्ष भी रहे ये एम सी सीतलवाड़, बीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं ये। किस महान्यायवादी का सबसे छोटा कार्यकाल रहा? तो सोली सौराब जी का सबसे छोटा कार्यकाल रहा, उसके बाद ये वापस से बन गए थे। तो सोली सौराब जी का छायाचित्र यहां प्रदर्शित है। सोली सौराब जी, सोली जहांगीर सौराब जी का जन्म मुंबई में 9 मार्च 1930 को हुआ था। भारतीय न्यायविद और भारत के पूर्व अटोर्नी जनरल, इन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए पद्म विभूषण मार्च 2002 में दिया गया से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल, जिनका छायाचित्र यहां प्रदर्शित है, ये वर्तमान में भारत के महान्यायवादी अटोर्नी जनरल हैं। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल हैं, जिन्होंने जून 2017 में मुकुल रोहितगी का स्थान लिया है। कोटियन कंटकोट वेणुगोपाल जन्म 1971 में भारत के 15वें अटोर्नी जनरल हैं। वेणुगोपाल जाने माने संवैधानिक विशेषज्ञ हैं। इससे पूर्व वह मोरारजी देसाई की सरकार में वर्ष 1977 से लेकर 79 में भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं। उल्लेखनीय है कि अटोर्नी जनरल उच्चतम न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों में भारत सरकार का पक्ष रखता है। उन्हें सन 2002 में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रम के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और ये दिल्ली से हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक और दो दोनों कथन सत्य हैं, अर्थात महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता और संसद के दोनों सदन की बैठक में भाग ले सकता है। भारत का न्यायवादी महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अपनी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होता। और यह प्रावधान है अनुच्छेद 88 में, 88 में। अगला प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी के पद पर नियुक्ति के लिए कैसा व्यक्ति योग्य होता है? तो ऐसा व्यक्ति जिसे वकालत का अनुभव 10 वर्ष का रहा हो तथा वह LLM अथवा विधि के किसी विषय पर PhD कर चुका हो। ऐसा व्यक्ति
एजी बनने के योग्य होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है? तो भारत के महान्यायवादी को, अटोर्नी जनरल को, एजी को ये प्रावधान होते हैं। अटोर्नी जनरल और आर्टिकल है इसका 76, एजी 76। अनुच्छेद 76 में प्रावधान दिए गए हैं अटोर्नी जनरल के संबंध में, एजी अटोर्नी जनरल। और आर्टिकल है 76। तो आई होप दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।